इस बार होली होगी मजेदार, वो भी गोवा में 16 से 20 मार्च, जिसमें 17 और 18 तारीख को होगी पूल पार्टी इन गोवा, वो भी सिर्फ 5,900 रुपए में। कॉन्टैक्ट जय बालाजी पैकेज टूर्स। होली इन गोवा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। महासागर महानगर पालिका की परिवहन समिति चुनाव में अगारी को बहुमत होने के बाद भी शिवसेना उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि एनसीपी जिलाध्यक्ष पंचम ओमी कालानी के दो समर्थक सदस्यों ने भाजपा उम्मीदवार सुभाष तनवड़े को वोट देकर जीत दिलाई। इस चुनाव को लेकर एनसीपी नेता कमलेश निकम ने कहा है कि कालानी करारा जवाब देते हैं, हमने कांबा का प्रति उत्तर शिवसेना को दिया है। ये थाना की राजनीति क्या चल रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना और कांग्रेस की महाविकास की आघाड़ी है, और आघाड़ी में कौन क्या कर रहा है उसे पूरा शहर देख रहा है। हर मुद्दों को लेकर, हर चीज़ को लेकर व्यापारियों के समर्थन में कालानी हर वक्त काम करते रहे, और इस बार का जो ये परिवहन समिति का सभापति का जो चुनाव था, उस चुनाव के मद्देनज़र जो आज हमारे दो सदस्यों ने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो सुभाष तनावड़े जी हैं उनको वोट करके आज विजय बनाया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो हमारे भाजपा के जो नेता है अमर लुंड जी ने ओमी कालानी जी से संपर्क किया, सकारात्मक चर्चा हुई, और सकारात्मक चर्चा को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, और स्वाभिमान की बात जहां पर भी आएगी तो कालानी कहां पर भी उससे समझौता नहीं करेंगे, और करारा जवाब मिला है आज। और इस जवाब को देखते हुए महाविकास आघाड़ी तो है और रहेगी भी, और हम महाविकास आघाड़ी में ही है, पर इस चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए आदरणीय हमारे मंत्री जितेंद्र आवाड साहब और समन्वय जो है थाना के आनंद प्रांत पे साहब का, कोई भी आदेश आदरणीय जिला अध्यक्ष पंचम ओमी कालानी और ओमी कालानी जी को इस चुनाव के मद्देनज़र कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया था, और जब तक आदेश नहीं आया तो हमने सोचा कि ये जो निर्णय है हम अपने ही शहर लेवल पर लिया जाए, और निर्णय लेते वक्त कांबा का जो हुआ था उस कांबा का प्रत्युत्तर और जवाब जो है वो कालानी कभी भी करारा जवाब देते हैं, उसका जवाब हमने शिवसेना को दिया है। वहीं भाजपा इस जीत को लेकर उत्साहित है, और स्थानीय नेता इस जीत का सहरा पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान के सर बांध रहे हैं। अमेरिका में परिवहन समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सुभाष तनवड़े जी आज विजयी हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी जीत है। यह जीत हमारे पूर्व मंत्री महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के महासचिव श्री रविंद्र चौहान की जीत है, और देखा जाए तो जब से महाराष्ट्र में शिवसेना सत्ता में आई है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ने में लगी हुई थी, लेकिन उनकी एक भी यह जो चाल है कामयाब नहीं हुई है। यह परिवहन समिति दो वर्ष पूर्व जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य को गुम कर दिया था, और यह जीत हासिल की थी साम दाम दंड भेद अपना करके, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी अगर आप देखेंगे शिवसेना जो भाजपा के लोगों को तोड़ने का कार्य कर रही है उसमें असफल सिद्ध हो रही है। दीवा में भी अगर देखा जाए कि आदेश भगत जिनको लेके गए तो एक भी भाजपा का कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गया, और श्रीकांत शिंदे की यह बहुत बड़ी हार है। श्रीकांत शिंदे जी छल कटपट की राजनीति अपना रहे हैं, जहाँ कहीं भी देखिए तो वह राजनीति उनकी सफल नहीं हो रही है। तो मैं कहूँगा कि आज यह उल्लासनगर महानगर पालिका की जो हार है वो यहाँ के खासदार श्रीकांत शिंदे की हार है, और भाजपा के रविंद्र चौहान की बहुत बड़ी जीत है। हम लोगों ने 5 सदस्य होकर के भी हमने नामांकन भरा था, हमें पूर्ण विश्वास था कि हमें हमारे 5 के 5 वोट पक्के मिलेंगे, लेकिन हमें 2 वोट अधिक मिले, और यह उनकी जो आपसी लड़ाई है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी छल कपट की राजनीति नहीं कर रही है। हमारे सुभाष तनवड़े जी ने सोचा भी नहीं था कि आज वो परिवहन समिति के सभापति बनेंगे, उन्हें मालूम था कि मेरे जो 5 वोट हैं मुझे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि किस प्रकार श्री रविंद्र चौहान जी ने बिगैर किसी से बात किए यहाँ पर आज यह गेम प्ले किया, और हमारे सुभाष तनवड़े जी विजयी हुए। और पहली बार मैं बता रहा हूँ कि आपको उल्लासनगर में सही मायने में एक अच्छा परिवहन सभापति मिला है, और बहुत जल्द हम इसी वर्ष 2022 के अप्रैल मई में बसें भी शुरू करेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने सभापति परिवहन समिति में जीत हासिल की है,
वो काफ़ी पहले से ही प्लानिंग चल रही थी कि ऐसे प्लानिंग होती, कैसे प्लानिंग होती है, उसका रिज़ल्ट आपको आज दिखने में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बस हम लोग पिछले 5-6 महीने से कंटिन्यूस फॉलो कर रहे थे, कंपनियों से बात कर रहे थे, उनको यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए मंगाया था, बाद में कमिश्नर के साथ उनकी बैठक करवाई, उन्होंने प्रेजेंटेशन देखी, उनके साथ जूम मीटिंग करवाई, तभी जाके आज हम लोग इस परिस्थिति में आए हैं कि बहुत जल्द हम शहर को एक परिवहन सेवा देने के काबिल हुए हैं। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी इस शहर को परिवहन सेवा देगी। पहले भी जो परिवहन सेवा चालू हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के ही राज्य में हुई थी, उसके शासन में हुई थी। आज भी जो परिवहन सेवा चालू होगी वो भारतीय जनता पार्टी के ही अथक प्रयासों से चालू होगी। मला हे एक्सपेक्टेडच नव्हतं की मी परिवहन सदस्य बनू शकतो। इथून जी सुरुवात झाली आमचे अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, त्यानंतर मन्नू खेमचंदानी यांनी मला तो फॉर्म भरायला लावल्यानंतर परत एकदा त्यांनी मला परिवहन सभापतीचा फॉर्म भरायला लावला। त्यानंतर आमच्याकडे फक्त 5 वोट होते, मला वाटलं नव्हतं की 5 वोटमध्ये आपण कसं जिंकू, पण त्यांनी जो मला विश्वास दिला की नाही तू उभा राहा, तुला मी आम्ही तुम्ही तू निवडून येशील, आणि खरंच त्यांचे ती 5 वोट बरोबर 2 वोट माननीय माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब यांचा मनापासून आभार मानतो की आमच्याकडे 5 वोट असताना त्यांनी एक मिरॅकल घडवून आणलं आहे। आणि त्याचबरोबर टोनी शिरवाणी स्थायी समिती सभापती, आमचे अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी, मन्नू खेमचंदानी, विनोदजी और ये राजेश भदरिया, प्रकाश माखीजा, इन सब ही का मैं आभारी हूँ। उसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि ये क्षेत्र से परिवहन से मैं लगभग 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ लोगों की जो समस्या है वाहतूक की, सार्वजनिक वाहतूक की, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, लेकिन बीजेपी एक ऐसा पक्ष है जो सर्वसाधारण लोगों को भी मदद करती है उसके माध्यम। वो आज जैसा हमारा अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ परिवहन अप्रैल तक चालू हो गए, वो 100% चालू हो गए, इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, जल्दी से जल्द बस चालू करने की कोशिश करूँगा। ये सबकी सहयोग ये हो सकता है और ये करके रहूँगा।